आप अपने YouTube चैनल पर जो वीडियोस हैं वो किस तरीके से अपलोड करते हो, आप कैसे करते हो? आप अपने YouTube को खोलते हो, YouTube को खोलने के बाद में प्लस वाला जो निशान है वहाँ पर आप क्लिक करते हो, और क्लिक करने के बाद में अपलोड वीडियो लिखा वहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में जो वीडियो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगा करके आप नेक्स्ट करके इसको आप अपलोड कर देते हो। तो दोस्तों ये जो तरीका है वो आपका सही नहीं है, इससे आपका जो वीडियो है वो वायरल नहीं होगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने YouTube चैनल पर जो भी वीडियो आपने डाला है वो उसको वायरल कर सकते हैं, पर बहुत ही व्यूज आ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सही तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक वीडियो को अपलोड करें जिससे कि आपके वीडियो पर ज्यादातर व्यूज आए और आपका जो चैनल है वो काफी बूस्ट हो। तो यहाँ पर मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोस्तों सबसे पहले आपको YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड वीडियो लिखा वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके सेलेक्ट फाइल्स के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आपकी जो फाइल है उसको यहाँ पर अपलोड कर देवे। तो यहाँ पर हम फाइल पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो आपकी फाइल है उसको आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो वीडियो है उसको अपलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है आप देख सकते हैं। और प्रोसेसिंग होने पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर एडिट करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है टाइटल, ठीक है। तो आपको जो टाइटल है वो आपको ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो आप जो आपका नोटपैड आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटपैड में हमने दे रखा है, नोटपैड में आपको ऑलरेडी पहले से लिखा होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर, जो कि बाद में आपको ढूंढने में समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम बता देते हैं नोटपैड के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोटपैड में हमने लिखा ये टाइटल, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है वहाँ पर, ठीक है। वीडियोज़ में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइटल जो आपने वहाँ कॉपी किया है तो वहाँ पर यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में आप बारी आती है अपने डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पर जो थंबनेल है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है। ये सारी प्रोसेसिंग आपको वीडियो के जो वीडियो आपका अपलोड हो रहा है उस टाइम ही आपको करनी है। तो यहाँ पर हम जो अपनी फाइल है उसके यहाँ से ढूंढ लेते हैं, इमेज पे जाते हैं। इमेज पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं आपने कौन से फोल्डर में उसे सेव कर रखा है, तो हमने अर्न मनी पे कर रखा है। तो यहाँ पर उसका जो थंबनेल है वो यहाँ आ चुका है। उसके बाद में अगर आप उसको प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ये जो वीडियो है वो किड्स के लिए, या फिर इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो ये बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में आपको शो मोर पर क्लिक करना है। तो उससे यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी वीडियो अपलोड करते समय। हमारे जो टाइटल है, हमारे जो टैग्स है ऑलरेडी हमने लिख दिए, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमने सेव कर रखे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप एंड स्क्रीन और एड कार्ड और एड सबटाइटल भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसको बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप उसको पब्लिक करना चाहते हैं, अनलिस्टेड करना चाहते हैं, तो आपको अनलिस्टेड पर क्लिक करना भी, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सब दोस्तों वीडियो अपलोडिंग की आप प्रोसेसिंग हो रही है, उसके पहले आपको पब्लिक करने से पहले आपको वापस यहाँ पर वाइट स्टूडियो में आना है। वाइट स्टूडियो में आने के बाद में पेंसिल वाले जो निशान है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल लिखा हुआ है अर्न मनी ऑन यूट्यूब, जो कि जिस इस कीवर्ड से रिलेटेड हमारा जो वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी हमारा ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं। और उसके बाद में दोस्तों कॉपी करना है, यहाँ तक आपको कॉपी करके इसको यहाँ पर टेक्स्ट में डालना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट में डालने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से आपको जो टेक्स्ट हैं वो आपको डाल देना है जो है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उसका थंबनेल भी लगा दिया है, उसके बाद में टाइटल भी लगा दिए हैं, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन भी और टेक्स्ट भी। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको पब्लिश करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है विजिबिलिटी में, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उसको पब्लिक कर देना, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से करने पर आपका जो वीडियो है वो 100% वायरल होगा। बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी आपको उस तरीके का जो तरीका होता है वो आपको नहीं बताते, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने सारी प्रोसेस बताई। तो इस तरीके से आप भी अपना यूट्यूब चैनल का जो वीडियोज़ है उसे अपलोड करिए, आपके चैनल पर व्यूज आएंगे, आपका चैनल भी बूस्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही जानकारी, और भी YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।